हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सर्विस सेंस यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये घटना चक्र का एसएससी सीरीज में हमारे पास दूसरा बुक आ चुका है। ये है एसएससी तर्कशक्ति। पहला सीरीज की बात करें तो पहला सीरीज में हमारे पास आया था एसएससी अर्थमेटिक, यानी एसएससी अंगणित आ चुका था हिंदी लैंग्वेज में। अगर आपने वो रिव्यू नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में मैं दे दूंगा, उसे आप वहाँ से देख सकते हैं। आज हम लोग रिव्यू करेंगे एसएससी तर्कशक्ति की। तो अभी इस बुक का हम लोग रिव्यू करेंगे, इसका प्राइस भी बताएंगे, और बुक को चेक करने के लिए जो मैं 10 से 15 पेज का आपको पीडीएफ देता हूँ वो भी हम सकते हैं आपको मिल जाएगा। रिव्यू स्टार्ट करने से पहले बस हम सकते हैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारी इस सर्विस संचय यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को इनेबल कर लीजिएगा, क्योंकि रोजाना हमारे पास न्यू बुक्स आते रहते हैं जिसका रिव्यू मैं करके देता हूँ। साथ ही बुक चेक करने के लिए 10 से 15 पेज का पीडीएफ भी फ्री में प्रोवाइड करता हूँ, तो जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो न्यू बुक से हमेशा रहेंगे अपडेट, कौन सा एडिशन कब आ रहा है, कब जा रहा है, सारा अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। और साथ ही ऑल ओवर इंडिया, आप कहीं से भी है, आपके क्षेत्र में अगर ये उपलब्ध नहीं है या ऑनलाइन में आप देख रहे होंगे 2022 एडिशन, वहाँ आपको हो सकता है नहीं दिखाए क्योंकि ये कल ही हमारे पास आया है, तो जरूर से मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर लीजिए कुरियर के माध्यम से या स्पीड पोस्ट के माध्यम से। ऑल ओवर इंडिया हम कहीं पर भी बुक भेज देते हैं। तो चलिए आज का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। हे फ्रेंड्स, तो ये रहा हमारे पास घटना चक्र का एसएससी तर्क शक्ति परीक्षा। तो यहाँ पे एडिशन 2022 एडिशन है, बिल्कुल से नया वाला एसएससी सीरीज में ये हमारे पास दूसरा बुक है। पहला बुक हमारे पास ये एसएससी अंगणित आया था, आज हमारे पास आया है ये एसएससी तर्क शक्ति। बहुत जल्द हमारे पास सामान्य अध्ययन भी आ जाएगा और अंग्रेजी भी आ जाएगा, तो जैसे जैसे आएगा वो अपडेट आपको मिलती रहेगी अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखे होंगे। तो चलिए आज हम लोग ये एसएससी रीजनिंग का रिव्यू करेंगे। ये है हिंदी लैंग्वेज में, 50 रुपीज़ का कैशबैक उसके ऐप में आपको मिल जाता है। प्राइस की बात करो तो 550 यानी 550 इसका प्राइस है। चलिए देखते हैं अंदर का कंटेंट। मैं आपको जो 10 से 15 पेज का पीडीएफ दूंगा उसमें ज़रूर से इस कंटेंट को मर्ज कर दूंगा ताकि आप वहाँ से अच्छी तरह से देख पाए। तो यहाँ एसएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी रीजनिंग के टॉपिक आते हैं वो सारा टॉपिक इसमें देखने को आपको मिल जाएगा एज फॉर सिलेबस। तो यहाँ चलिए पहला चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, किस तरह से दिया गया है हम लोग देखते हैं। उसके पहले एक विश्लेषण चार्ट दिया गया है जिसमें किस एग्जामिनेशन से कितने क्वेश्चन लिए गए हैं वो दिखा रहा है। जैसे कि वर्ष 2017 से 2021 तक कुल 11,600 क्वेश्चन लिए गए हैं एसएससी टायर वन से, और उसके बाद सीपीओ से, टायर वन से, एमटीएस से, एसएससी जीडी से सारे क्वेश्चन लिए गए हैं। कुल क्वेश्चन जो हमें ऑब्जेक्टिव मिलते हैं 34,100 क्वेश्चन हमें मिलता है। तो यहाँ पहला चैप्टर हमारा श्रृंखला परीक्षण। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है और ये क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिएगा, चलिए मैं जूम कर देता हूँ। यहाँ क्वेश्चन दिए गए हैं वो ऊपर में इंग्लिश में भी है और नीचे हिंदी में भी दिया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं और इसका आंसर के लिए पूछा गया है कौन सा है। तो ये क्वेश्चन देखिए, आंसर तो सी है, यहाँ दिया ही गया है। प्लस ये बुक बिल्कुल से नया है, आप यहाँ से देख सकते हैं ये अगस्त 2021 में ये क्वेश्चन आया था एसएससी सीजीएल में, 20 अगस्त 2021 में। तो बिल्कुल से यहाँ से आप समझ सकते हैं ये बिल्कुल से नया वाला एडिशन है। ऐसा नहीं कि खाली कवर में 2022 लिख दिया है, वाकई इसके अंदर 2021 के जितने भी एग्जामिनेशन हुए थे वो सारे चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही यहाँ सी को तो आंसर बताया गया है और वो सी इसमें कैसे आया उसको सॉल्व करके यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये घटना चक्र का ये जो एक्सप्लेन करने का तरीका है काफ़ी अच्छा है, क्योंकि एक क्वेश्चन दिया जाता है उसके नीचे वो क्वेश्चन किस ईयर में आया था वो दिखाया जाता है, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है ये क्वेश्चन रिपीट हो। रीजनिंग के क्वेश्चन मैक्सिमम रिपीट ही होते हैं, तो जो भी रिपीटेड क्वेश्चन है या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं क्वेश्चन को यहाँ पर इंक्लूड किया जाता है। तो यहाँ पर भी ए इसका आंसर है 5, और इस 5 आंसर जो आया वो कैसे आया उसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। तो पूरी बुक इसी पैटर्न पे ही है, आप बेहतर से समझ पाओ इसके लिए मैं 10 पेज का आपको पीडीएफ दे दूंगा ताकि आप खुद से इस बुक का रिव्यू कर सके। पूरी बुक देखिए इसी पैटर्न पे ही आधारित है। यहाँ पे देखिए एग्जामिनेशन में 2 डेट दी गई है, 2020 में भी आया था 7 मार्च को, और फिर 9 मार्च को भी ये 2020 में आया था टीयर 3 में। तो बिल्कुल से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा जिसमें 2-3 डेट लिखे हुए हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन रिपीट ही होते हैं।
तो बिल्कुल से रीजनिंग के लिए एक बेस्ट बुक आप एसएससी के लिए खोज रहे थे तो घटना चक्र पे ट्रस्ट कर सकते हैं। इनका स्टडी मटेरियल में कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल से सारे पीसीएस लेवल के स्टूडेंट घटना चक्र की बुक ही पसंद करते हैं। यहाँ एसएससी के बुक से ये हैं तो एसएससी के भी ये इनका जो स्टडी मटेरियल है काफ़ी टॉप लेवल पर बनाया जाता है। तो इस बुक का जो मैंने 10 पीस का पीडीएफ बनाया है उसे डाउनलोड करने के लिए हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चल जाएगा, वहाँ मेरे गूगल ड्राइव का लिंक है, वहाँ क्लिक करके बड़े आसानी से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और मेरा व्हाट्सअप नंबर भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं ताकि आप मुझे व्हाट्सअप कर सके इस बुक के लिए। अगर आपके क्षेत्र में ये उपलब्ध नहीं है तो ज़रूर से मैं आपको कोरियर के माध्यम से भेज दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी अच्छी बुक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।